हेलो गाइस, स्वागत है आपका तरुण कुमार व्लॉग्स में। मेरा नाम है मोहिनी एंड आज मैंने तरुण का जो कैमरा है उसे टेक ओवर किया है बिकॉज तरुण आया है हमारे साथ देहरादून। आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। जितने मुझसे बड़े सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जितने मुझसे छोटे सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। यह है मेरा इंट्रोडक्शन। तो फिलहाल आज जो कैमरा टेक ओवर कर रखा है दीदी ने, तो अब दीदी बनाएगी व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं कहाँ? अभी हम जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, देहरादून वालों को सबको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वहीं जाके दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए टेक ओवर दीदी करके दीदी बनाएगी आज वीडियो, ठीक है? आप लोगों से व्लॉग बनेगा, छोटा सा व्लॉग बिकॉज हम जस्ट खाना खाने जा रहे हैं, नॉट खाना, स्नैक्स खाने जा रहे हैं। छोटा सा ही है, आप बस उसको देखना, आपको इंजॉय करना इस वीडियो को और लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना, ठीक है? चलते बराबर, ट्रैफिक हो रहा है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो तरुण कुमार व्लॉग्स हैं आपके, इनका मैंने चैनल टेक ओवर किया है, तो ये आज ही पहुंचे हैं एक्चुअली देहरादून। तो मैं थोड़ी देर पहले ही पहुंचा था असल में, मतलब लगभग 4-5 बजे के आसपास तो नहीं, लेकिन ऐसी बातें करते करते लेट हो गया था। उसके बाद पर फिर उसके बाद अब हमने सोचा कि कहीं कुछ खाने पीने के लिए चलते, तो बस वहीं थोड़ा सा घूमा फिरा भी जाए, तो इसलिए हम बस वहीं जा रहे हैं फटाफट से। तो मिलते हैं आपको, आप बस ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, ठीक है? और मैं आपको साथ साथ बता दूं अभी से ही कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए आ रखे हैं। मिलते हैं आपसे, चलते रहिए। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक में फंस रखे हैं आज देहरादून में, ट्रैफिक बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों, मतलब आज हम जा रहे खाने के लिए तो लोग हमें खाने के लिए नहीं जाने दे रहे। खैर इस एरिया में थोड़ा ट्रैफिक रहता ही है। जो कोई भी इस जगह को पहचान रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो कौन सी जगह है ये, थोड़ा इधर उधर का व्यू ले लो। सो गाइज, वी आर फाइनली एट आवर लोकेशन एंड रोड देख के, मार्केट देख के आप समझ रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। फाइनली हम आपको बताई देते हैं, इट इज द फेमस अंगीठी के मोमोज। अंगीठी के मोमोज तो ये देहरादून के बहुत फेमस मोमो, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, एक बहुत फेमस शॉप है मोमोज के लिए, बहुत ज्यादा फेमस है अंगीठी की मोमोज। आज मैं भी पहली बार ट्राई करूंगा अंगीठी की मोमोज होते कैसे। हमने स्टीम खा रखे है, बेक्ड खा रखे है और फ्राइड खा रखे हैं, देखते हैं वी विल ट्राई कुरकुरे मोमोज अंगीठी के कैसे होते हैं आज देखते हैं। हम पहुंच चुके हैं अंगीठी एंड दिस इज नेहरू कॉलोनी का मार्केट। अब हम जा रहे हैं ऑर्डर करने अंगीठी के मोमोज, पहली बार मैं ट्राई करूंगा कैसे होते हैं। बाकी स्टीम भी कर रखा है, बेक भी कर रखा है और फ्राइड भी कर रखा है, देखते हैं अंगीठी वाले कैसे होते हैं। फॉरवर्ड चलते हैं। हेलो भैया, और मैं ये जो मार्केट है ये वन ऑफ द बेस्ट मार्केट मानी जाती है, नॉट वन ऑफ द बेस्ट बट मार्केट जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स ज्यादातर घूमते मिलते हैं आपको। एंड हम आए हैं यहाँ मोमोज ट्राई करने, तो लेट्स सी अब कैसे लगते हैं। हमने तो कर रखे हैं एक्चुअली पहले, बट तरुण पहली बार यहाँ के मोमोज ट्राई करेगा एंड एज यू नो दैट आज मैंने उसका ब्लॉग टेक ओवर किया, तो हम उसका रिएक्शन देंगे कि उसको अंगीठी के मोमोज कैसे लगे। ओपन द बेस्ट, देख ही सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है एंड मैं तब से वेट कर रही हूँ यहाँ। गाइस, ये लोकेशन है अंगीठी मोमोज के, बैंक बगल में ही इसके फिटनेस क्लब। सो पीपल, हियर इज आवर तंदूरी मोमोज। तंदूरी पनीर मोमोज हैं। सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज नॉर्मल जो हमारे वेज स्टीम्ड मोमोज होते हैं वो, बिकॉज स्टीम मोमोज नहीं खाए तो मोमोज खाने वाला टेस्ट ही नहीं आता है, ओरिजिनलिटी तो यही है। तो लेट्स सी टेस्ट टेस्टिंग के बाद कि कैसा होता है। सो गाइज, मैं तब से वेट कर रही हूँ यहाँ इन दोनों का, थोड़ा बहुत ऑर्डर हमारा आ चुका है, थोड़ा बहुत ऑर्डर अभी बचा है एंड इट्स टफ लाइफ नो बट थोड़ा मतलब मुझसे इंतज़ार नहीं होता, क्या कर सकते हैं, इंतज़ार ही करना पड़ेगा अभी हमें थोड़ी देर और, शायद एक आधा ऑर्डर कुछ बचा है उन लोगों का, एक आधे कुछ चीज़ आनी है। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बता सकते हो कि आप में से कौन कौन अंगीठी के मोमोज खाने आ चुका है इससे पहले या फिर देहरादून आ चुका है। ये हमारे जो चम्मच ओनर है, चम्मच चम्मच
ये हमारे जो ओनर हैं वो आ चुके हैं, चम्मच लाए हैं, ये ऑर्डर पूरा ला नहीं पा रहे हैं तब से, मैं वेट कर करके थक चुकी हूँ। हाँ यार पता नहीं क्यों बहुत टाइम लगा रहे कुरकुरे वाले बनाने में, बहुत भीड़ है आज एक्चुअली। वो वाले खा गए वो एक तो आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे थोड़ा सा बिजी डे रहता है यहाँ पे। तो कैसे हमारा ऑर्डर कंप्लीट होता है मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी साथ में, एंड सब कुछ फिर हम हमारे जो ओनर हैं चैनल के मिस्टर तरुण कुमार, ये आपको टेस्ट टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि इनको कैसा लगता है। तो गाइस अब तरुण जो है वो नॉर्मल स्टीम्ड मोमोज खाने लगा है, तो ये वाले जो है ये नॉर्मल है, ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूँ कैसा हो रहा है ना। खैर मैं ही टेस्ट कर रहा हूँ लेकिन चैनल मेरा, इससे थोड़ा सा टेस्ट करता पहले मैं। फर्स्ट टाइम खा रहे हो इसलिए टेस्ट कर रहे हो? हाँ स्टीम वाले पहले खा रहे हैं तो नहीं मैं सर बताऊँ तो मैं वैसे मिर्च इतना नहीं खाता, मतलब खाने को खा लेता हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा लगती है मिर्च, तो इसमें मिर्च ज़्यादा चटनी में, बाकी सब ठीक है। बाकी मोमोज मुझे जैसे चाहिए था वैसे ही, मतलब परफेक्ट मोमोज है, चटनी थोड़ी तेज है। भैया क्या बोलते हैं स्टीम वाले के लिए, भैया आप रिव्यू देना। अच्छा है मुझे तो यहीं का स्टीम्ड मोमोज पूरे देहरादून में पसंद है, वरना उतना अच्छा देहरादून में बनते नहीं जितना अच्छे दिल्ली में बनते हैं मोमोज। या एक्चुअली हम दिल्ली रह के आ चुके हैं तो हमें वहाँ के मोमोज ज्यादा पसंद है। हाँ वैसे दिल्ली के मोमोज सच में अच्छे होते हैं, वहाँ की चटनी बहुत मस्त। और बात यह कि देहरादून में जैसे कि हमने बताया ही है कि देहरादून में ये वाला जो जगह थी, मतलब इस जगह में बहुत ज्यादा फेमस मोमोज मिलते हैं, इसलिए फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पे अच्छे मिलते होंगे। नॉर्मल सी बात है, भीड़ लगी हुई थी बहुत ज्यादा, अच्छे तो है स्टीम वाले तो अच्छे बना रखे थे। बाकी टेस्ट करके देखते हैं, लस्सी भी टेस्ट करो। यस तरुण ने आज लस्सी ली अपने लिए, ये देखो गाइस बादाम लस्सी कुल्हड़ में, कुल्हड़ वाली में एक चॉकलेट शेक, काफी मस्त है। इसको लास्ट में टेस्ट करूंगा मैं, इसमें पानी गिर रहा है, वैसे पानी निकल रहा है। नाउ जो सबसे फेमस है यहाँ, मतलब आजकल देहरादून में सबसे ज्यादा फेमस है कुरकुरे मोमोज, ये हम ट्राई करेंगे। कुरकुरे मोमोज ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि इसका नाम है कुरकुरे, इसको टच करते ही पता चल गया कितना क्रिस्पी हो रहा है एकदम, मतलब क्या ही बोलूं मैं, और बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं इसको, लचीला नहीं क्रिस्पी, क्रिस्पी और फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसको ट्राई करते कैसे बने, जैसा नाम है एकदम वैसा, कुरकुरे टाइप का क्रिस्पी भी है और क्रंची बहुत ज्यादा क्रंची है, और टेस्ट इसका भी काफी मस्त। मतलब सर बताओ तो इसके अंदर के जो वो है ना स्टफिंग है, इनके अंदर से भर रखा है फिलिंग, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टेस्ट। मतलब मोमोज दिल्ली के तो खैर अलग ही लेवल के मोमोज हैं, दिल्ली के तो हम कंपेयर नहीं कर सकते लेकिन फिर भी मतलब काफी अच्छे। उत्तराखंड में हमें थोड़े बहुत यहाँ के अच्छे लगे, उत्तराखंड के हिसाब से सही है। सही है, उत्तराखंड के हिसाब से आज हम एकदम प्रॉपर फूड व्लॉगर बन चुके हैं, तो क्रिस्पी अच्छा हुआ है, ये तुरंत फ्राई होके आए हैं। हाँ ये वाला गरम गरम है भाई, ये तो एकदम फ्रेश है, इसलिए यस थोड़े मेरे लिए भी छोड़ देना, तुम सब मत खा जाना बस। तो ये वाले मेरे तो फर्स्ट टाइम था, ये मुझे काफी अच्छा लगा, क्रिस्पी वाले मोमोज, मतलब कुरकुरे मोमोज बोल रहे थे इसको, तो काफी अच्छा था मतलब टेस्ट। तो अब वो वाला ट्राई करते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए थे, अंगीठी मोमोज के लिए, अंगीठी इन द सेंस तंदूरी मोमोज, तंदूरी मोमोज। वी हैव आर तंदूरी मोमोज, तंदूरी पनीर मोमोज, सो टेस्ट टेस्ट। तंदूरी वाले ये है जिनके लिए हम स्पेशल यहाँ आए थे, यहाँ का बहुत फेमस है, हमने सुन रखा है इसके बारे में बहुत ज्यादा, तो आज मैं टेस्ट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, देखते कैसा था तंदूरी मोमोज। तंदूरी मोमोज वैसे मतलब बाकी मोमोज से नॉर्मली अलग लग रहे हैं, अच्छी बात है क्योंकि तंदूरी है इसलिए, तो मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि इसके अंदर की स्टफिंग कैसी है। तंदूरी पनीर मोमोज, हाँ ये तंदूरी पनीर मोमोज है, तो इसके अंदर जो पनीर है जैसे आपने वो खा रखा शाही पनीर की, तो वो हाँ, वैसा टाइप का कुछ होता है, तो उस टाइप की ग्रेवी का इसमें आ रहा टेस्ट, और बाकी मस्त है यार क्योंकि स्टफिंग तो मैं बोल रहा हूँ ना बहुत अच्छा भरा हुआ है। खैर तंदूरी मोमोज का भी अपना अलग मजा होता है, तंदूरी रोटी खा रखी होगी आप लोगों ने नॉर्मल से बात है, तो उसी की जैसे टेस्ट आ रहा है इसका, मतलब थोड़ा मसालेदार, थोड़ा शाही पनीर टाइप का, उस टाइप का टेस्ट आ रहा है इसका, तो काफी अच्छा है वैसे ये। चलो अब हम इसको खाने को एंजॉय करते हैं, और आप लोग भी हमारी वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो नाउ अब हम सब खाने पे टूट पड़े हैं, एंड आप बताओ उस बारे में कुछ। मुझे तो पर्सनली स्टीम मोमोज ही सब ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एंड अंगीठी के स्टीम मोमोज काफ़ी अच्छे हैं कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस इन देहरादून, एंड यस नाउ वी विल एंजॉय आवर फूड।
देन वी विल हेड टू होम। अब हम पी रहे हैं लस्सी। हियर इज आवर चॉकलेट शेक। और क्या शेक है ये? कौन सा शेक? ओरियो शेक। ये उतना अच्छा नहीं है। तरुण कुमार व्लॉग्स। लस्सी अच्छी थी? लस्सी बहुत अच्छी थी गाइस। चॉकलेट शेक थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक नहीं है, इट्स अ फेल। तुम टेस्ट करके देख सकते हो। मैं वही पी रहा था। अच्छा सॉरी। तो लस्सी काफी अच्छी हो रही है। अगर आप आओगे तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि लस्सी पीना। वैसे तो आप हमें दुकान का नाम याद नहीं है पर लेकिन आप कुछ भी पियो तो लस्सी पीना, क्योंकि मुझे बाकी और इतना अच्छा नहीं लगा। बोलना उसके दो दुकान छोड़ के जाना। उसकी दो दुकान छोड़ के आपको एक लस्सी एक ड्रिंक्स की शॉप मिलेगी वहाँ से। उसमें बाहर कुल्लड़ वाले वो कप दिख रहे होंगे तो उसमें तो मटके के होते ना वाले, बहुत अच्छे लग रहे हो उसको पीना। बट दिस ओरियो शेक और व्हाटएवर शेक इट इज, इट इज नॉट नाइस। सो अब हम अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। देखते हैं, बीच में हमें थोड़ा बहुत सामान लेना है एंड फिर हम धीरे धीरे घर जाएंगे। व्हाट इज धीरे धीरे? फिर हम घर जाएंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे प्लीज लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। ओके, लिंक तरुण कुमार डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। यस, वी विल सी यू सून। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी, पहुंच चुके हैं हम एंड हमें थोड़ा बहुत सामान लेना है। बहुत सब्जियां लेते हैं फटाफट से, उसके बाद घर को निकलते हैं। लेट हो चुकी है, बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। तो वैसे हम अभी आए थे थोड़ी देर पहले 7:30 के आसपास, तो बस 8 बजे फटाफट सब्जी लेके निकलते घर की तरफ ना। और एक स्टोर है आगे, वो भी दिखाएंगे आपको, वहाँ पे भी जाना है, थोड़ा सामान लेना है। तो फटाफट चलते घर की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं स्टोर पे एंड अब हमें थोड़ी देर दो तीन चीजें उठानी है। जल्दी जल्दी हम उन्हें उठाते हैं। जल्दी जल्दी हम उन्हें उठाते हैं और घर चलते हैं। इसके बाद ढूंढ ले हम पहले कि हमने आईफोन में शिफ्ट कर लिया कैमरा, फटाफट कितने चिप ले आ रही ना। ढूंढ ले हम पहले जल्दी जल्दी सामान, तब मिलते हैं आपसे। तो हमने सामान ले चुका है एंड नाउ हम जा रहे हैं घर। सो अब हमने सामान भी ले लिया है, खा भी लिया है, सब कुछ हो गया है। तो अब टाइम है घर जाने का एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इस पर एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। And don't forget to follow me on Instagram. Thank you. Bye bye. Milenge next vlog mein.